हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लौकी मलाई कोफ्ते। बिल्कुल मुंह में घुल जाने वाले, बहुत ही सॉफ्ट। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारा वीडियो आपको हेल्पफुल लगे लाइक करें, शेयर करें, अपना चैनल कुक विद आरवी को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए हमने एक लौकी, इसको हमने पील कर लिया है। अब हम इसको ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए, ये लौकी हमारी ग्रेट हो गई है। अब हम इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल लेंगे, दबा दबा के। ज़्यादा भी नहीं निकालना है एकदम से, मतलब जो थोड़ा हल्का दबने से निकल रहा है उतना ही पानी निकालेंगे। अगर ज़्यादा टाइट से निचोड़ दोगे तो फिर ये इसमें पानी की मात्रा नहीं रहेगी, तो फिर ये हार्ड बनेंगे थोड़े। इसी तरह से हम ने ये पानी निकाल लिया है, इसको हम अलग कर देंगे। पानी को हमें फेंकना नहीं है, इसका हम यूज बताएंगे आगे क्या करना है। अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून बेसन। ½ टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। ½ टी स्पून धनिया पाउडर। 1 पिंच ऑफ हींग। 1 टी स्पून सौंफ पाउडर। स्वाद अनुसार नमक। और ये हमने हरी मिर्च और लहसुन और अदरक का पेस्ट बनाया था, 1 टी स्पून डाल देंगे। अब हम इसको सबको मिला लेंगे। ये हमारा सारा मिक्सचर बन के तैयार हो गया है। अब हम हाथ को धो के आएंगे, क्योंकि अगर इसी हाथ से बनाएंगे तो ये चिपकेगा। अब देखिए, ये बिल्कुल नहीं चिपकेगा अगर हाथ धो के बनाओगे तो। इसी तरह से हम सारे बॉल्स तैयार कर लेंगे। ये हमारे सारे बॉल्स तैयार हो गए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें ऑयल गरम करेंगे। मैंने ये मस्टर्ड ऑयल लिया है, आप चाहो तो कोई भी रिफाइंड ऑयल, कोई भी ऑयल ले सकते हो। ये गरम हो रहा है, ये गरम हो चुका है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके सारे बॉल्स डाल देंगे। फ्लेम मीडियम टू लो रखनी है। हाई फ्लेम पे पकाओगे तो ये अंदर से कच्चा रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे। अभी हमें इसमें करछली नहीं चलानी है, जब ये थोड़ा सा पक लेंगे तब हम चलाएंगे, नहीं तो ये टूट जाएंगे। अब हम इनको धीरे धीरे करके हल्का ब्राउन होने तक सेकेंगे। ये देखिए, ये हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम दूसरा बैच भी तैयार कर लेंगे। ये हमने लिया है 2 मीडियम साइज की ऑनियन। इसमें हम डालेंगे 3 मीडियम साइज के टमाटर, टमाटर थोड़ा ज़्यादा डालें। 1 इंच अदरक का टुकड़ा। 4 से 5 लहसुन कलियाँ। इसको हम ग्रेट कर लाएंगे। ये हमारा ग्राइंड होके तैयार हो गया है। अब हम इस पानी का यूज बताएंगे क्या करना है। इस पानी में हम डालेंगे 1/2 टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टी स्पून धनिया पाउडर। इसको हम मिला लेंगे। अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, इसमें हमने डाला है 2 बड़ा चम्मच ऑयल। ऑयल गरम हो रहा है। 1 टी स्पून
जीरा डाल देंगे, 1 pinch ऑफ हींग, 1/4 cup। अब जो हमने मिक्सचर बनाया था उसको डाल देंगे, लौकी के पानी में बनाया था। अब हम इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे, जब तक साइड से ऑयल छोड़ने लगेगा तब तक ये थोड़ा सा फटाफटा सा हो जाएगा। ये देखिए ये बिल्कुल अलग ही लग रहा है। तो अब ये हमारा मसाला बन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे जो टमाटर और ऑनियन की प्यूरी बनाई थी, वो अच्छे से मिला लेंगे। अब हम इसको 5 से 6 मिनट के लिए भुनने देंगे। ये हमने एक हरी मिर्च डाल दी है कट करके। अब हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे, नमक का याद रहे हम ग्रेवी के अनुसार नमक डालेंगे क्योंकि हमने कोफ्ते में नमक डाला है। ये देखिए हमारा मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून मलाई। मलाई हमने ये घर की ही फ्रेश मलाई डाली है, आप चाहो तो अमूल वाली भी डाल सकते हो मार्केट से लाके। एक से दो मिनट इसको भूनेंगे चलाएंगे। ज़्यादा देर तक नहीं भूनना है इसको। ये देखिए अब हम इसमें डाल देंगे 1 गिलास पानी। पानी आप अपने अनुसार डाल सकते हो, आपको अगर थिक ग्रेवी पसंद है तो कम डालें, अगर पतली वाली पसंद है थोड़ा ज़्यादा डाल दें। अब इसमें जब बॉईल आ जाए तब हम कोफ्ते डाल देंगे। ये देखिए हमारे कोफ्ते कितने सॉफ्ट बने हैं, एकदम बहुत ही सॉफ्ट हैं ये। अब हम इसको 5 मिनट तक पकने देंगे। ये देखिए हमारे इनको 5 मिनट हो चुका है। अब ये हमारे कोफ्ते की रेसिपी बनके तैयार हो गई है। इसमें डाल देंगे हरा धनिया, फ्लेम ऑफ कर देंगे, हमारे कोफ्ते की सब्ज़ी रेडी है। अब हम इसको सर्व करते हैं। ये देखिए कितनी देखने में कितनी अच्छी लग रही है, खाने में बहुत ही टेस्टी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट देगी। घर के ही सामान से कितनी अच्छी हमारी लौकी मलाई कोफ्ते बन के तैयार हुए हैं। तो आप भी एक बार ट्राई करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करें। कोई भी डाउट हो कमेंट में पूछ सकते हो।